नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनर उमेद सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोगरा की बेल पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लिए जाएं। आप देख सकते हो ये मेरी बेल है मोगरा की और उसके ऊपर कितने फूल लगे हुए हैं ये आप आसानी से देख सकते हो। देखिए पूरी बेल लदी हुई है फूलों से, जितने पत्ते दिखाई दे रहे हैं उतने ही फूल भी दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़, मोगरा की खुशबू, पूरा दिन की ताजगी भर देती है ये। ये देखिए डेली इसके फूल गिरते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ये मेरे पास तीन बेल है मोगरा की, जिसमें से ये एक आप पहली बेल देख रहे हो, इसका थोड़ा सा दूर से भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये मेरे अड़ोस पड़ोस के घरों को भी महकाती रहती है। उसके बाद मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ। ये देखिए ये थोड़ी छोटी है, बाद में लगाई थी, लेकिन ये भी पूरा भरी हुई है फूलों से। ये देखिए आप दोस्तों, आप भी इस इतने ही फूल ले सकते हो या इससे भी ज़्यादा ले सकते हो, बस थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है। मोगरा की जो कटिंग का टाइम होता है वो फरवरी में होता है, 15 फरवरी के बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हो। और उसके बाद जब ये फुटाव ले ले, आप उसके अंदर गोबर की खाद डाल दीजिए। अगर आपका पौधा गमले में है तो आप उसमें ज़रूरत के अनुसार डाल दीजिए, और अगर मिट्टी में है ग्राउंड में तो आप उसके अंदर एक टोकरी गोबर की खाद डाल दीजिए। और अगर आपके पास खाद नहीं है तो आप इस पर NPK भी स्प्रे कर सकते हो रेगुलर, हफ्ते में एक बार 2 ग्राम NPK 19-19-19 एक लीटर पानी में घोल के भी आप इस पर वीकली स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद जब आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाए और उस पर बड्स आने लग जाए तो आप इस पर 0-52-34 इस्तेमाल कर सकते हो या 0-50 भी यूज़ कर सकते हो, जो कि हमारे पौधों की फ्लावरिंग में बहुत हेल्प करेंगे। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से ले जाकर दिखाता हूँ ये कितने बड़े बड़े फूल हैं। दोस्तों ये इतने फूल लगे हुए होते हैं, इसमें से मैं एक प्लेट भर के अपने डाइनिंग टेबल पर रख देता हूँ, पूरा दिन घर महकता रहता है इसकी खुशबू से। इसके अलावा मेरे पास मधुकामिनी भी है, एक गार्डनिया भी है और एक रात की रानी भी है। मैं थोड़ा सा अंदर का भी और दिखाता हूँ आपको, अंदर की साइड से कैसी दिख रही है। देखिए अंदर भी इतने ही फूल हैं जितने बाहर थे। ये एक मैंने छोटा सा पौधा गमले में लगा रखा है, ये इसी सीजन में लगाया था फरवरी में। देखिए आप इसकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी है और इस पर भी फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं। ये मेरा राजस्टोनिया का पौधा है जो अब ब्लूम कर रहा है। ये मधुकामिनी है और ये रात की रानी है, भी इसकी कटिंग की थी
इस पर फिर से अच्छा फुटाव शुरू हो गया है और बहुत जल्दी ये भी हमें फूल खिलाना शुरू कर देगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।